यूपी के फतेहपुर जिले के असोथर ब्लॉक के साखा गांव के सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीणों ने अन्ना जानवरों से आजिज होकर आज डीएम घेराव किया। ग्रामीणों की माने तो अन्ना जानवरों के कारण हम लोगों की फसल बर्बाद हो रही है, जिसके कारण हमारी लगाए गए फसलों की लागत भी नहीं निकल पा रही। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से अवैध कब्जा की गई ग्राम समाज की जमीन पर नए गौशाला बनाने की मांग भी की। अन्ना जानवरों से आजिज ग्रामीणों ने फसल को बर्बाद कर रहे सैकड़ों की संख्या में अन्ना जानवरों को नजर बंद कर दिया और खुद के खर्चों से उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम के माध्यम से सीएम को भेजे गए शिकायती पत्र में इसी जगह पर गौशाला की जगह पर दिए जा रहे सहायता राशि दिए जाने की मांग भी की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन अन्ना जानवर हम लोगों की फसल बर्बाद करते हैं, जिसके कारण हम लोगों द्वारा लगाई गई फसलों की लागत भी नहीं निकल पाती। हम लोगों ने डीएम साहब से आज ग्राम समाज की जमीन पर हुए कब्जों को हटाकर एक नए गौशाला बनाने की मांग भी की है। शाखा के हमारे किसान आए हैं और जो आवारा जानवर है उससे उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है। गौशाला निर्माण किए जाने की मांग को लेकर के किसान भाई आज यहाँ ज्ञापन देने आए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि जो पूर्व से गौशाला बना उसके बारे में संचालन किया जाएगा और जिलाधिकारी महोदय से परसों मुलाकात के लिए 10 बजे 3-4 लोगों को बुलाया गया। थैंक यू। गाय ज्ञापन देने आए थे डीएम साहब को, गायों से बहुत दुखी है हम लोग किसान और सारा दाना पानी सब खा जाती रात में, ताके ताके परेशान हो गए हैं। तब अपने घर में आने उनको सब लोग 10-20 लोग किसान मिलकर बैठ दिया है, चारा पानी कर रहे हैं। अब उनकी सरकार व्यवस्था करे, डीएम साहब करे या सरकार करे, ठीक है तो उनकी व्यवस्था करे तो हम लोग थोड़ा स्वतंत्र हो, नहीं इसी में हम भूखे प्यासे मर जाएंगे जब सारा चारा दाना खा जाएंगे, कैसे काम करेंगे।